जय माता दी मित्रों, मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लियो असेंडेंट अगस्त 2021। सिंह लग्न के जातकों के लिए अगस्त माह का मासिक फल आइए देखते हैं। मित्रों, अगर आपकी लग्न कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका सिंह लग्न है। क्योंकि भविष्य कथन हमने लग्न से दिया है, राशि से नहीं दिया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को ये चेक कर लेना आवश्यक होगा कि क्या आपका सिंह लग्न है अथवा नहीं। इसके लिए लग्न के अंतर्गत 5 नंबर का लिखा होना आवश्यक है, तब आपको पता लगेगा कि आपका लग्न सिंह लग्न है। सिंह लग्न एक अग्नि तत्व लग्न है और स्थिर लग्न है। इस लग्न के जातकों की अगर हम बात करें, वो स्थिरता के साथ जीवन के में आगे बढ़ते हैं, साथ ही स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, स्वतंत्र विचारधारा होती है और साथ ही मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, क्योंकि सिंह सूर्य की अगर हम बात करते हैं, सिंह लग्न की अगर हम बात करें, सूर्य इस लग्न के स्वामी बनते हैं, उनका वे क्या है, ग्रहों के राजा हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति के पास जो है मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जो है उसकी चाह भी रहती है और वो आती भी है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जिम्मेदारी को निभाने वाला होता है, काफ़ी जिम्मेदार होते हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अनुशासन इन जैसे व्यक्तियों को जो है बहुत अधिक पसंद होता है। साथ ही हम बात कर रहे हैं, अगर सिंह लग्न की अगर हम बात करते हैं, ग्रह गोचर की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को देखते हैं। अगस्त माह के अंतर्गत अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए सूर्य की स्थिति 16 जुलाई 2021 से 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि के अंतर्गत, अगर अगस्त माह में देखें तो 17 अगस्त तक सिंह लग्न के स्वामी जो सूर्य लग्नेश बनते हैं, वो कर्क राशि में 12वें घर के अंतर्गत गोचर करेंगे। सूर्य का अपने लग्नेश का 12वें में जाना और सूर्य जैसे ग्रह का 12वें में जाना, ये थोड़ी स्थिति अच्छी नहीं है। थोड़ा यहाँ पर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। साथ ही आपका विदेश से संबंध हो सकता है, या फिर यहाँ पर जो है थोड़ा व्यक्ति अकेलापन भी जो है महसूस कर सकता है। एकांतवास जैसी स्थिति व्यक्ति के जीवन में आ जाती है, या फिर व्यक्ति के जीवन में दूसरे लोगों का दुख की अगर हम बात करते हैं, या फिर व्यक्ति का हॉस्पिटल अस्पताल वगैरह से संबंध, ये स्थिति यहाँ पर आने की संभावनाएँ बनती है। इसके बाद देखिए सूर्य जो है सिंह 17 अगस्त के बाद की अगर हम बात करें, तो 17 अगस्त के बाद एक काफ़ी अच्छा बदलाव जीवन के अंतर्गत देखा जाएगा और 17 अगस्त के बाद ग्रह स्थिति भी काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि लग्नेश फिर लग्न के अंतर्गत आ जाएंगे, किस किस के ग्रहों के साथ अगर हम बात करें, सूर्य लग्न के अंतर्गत होंगे और पंचमें यहाँ पे नवमेश मंगल और चतुर्थेश मंगल के साथ, जो मंगल चतुर्थेश और नवमेश है उस मंगल के साथ, साथ ही लाभेश और द्वितीयेश बुध के साथ यहाँ पर युति है इनकी। तो ये प्रभाव एक अच्छा प्रभाव देखा जाएगा, महाधनी योग भी बनेगा इस समय के अंतर्गत जो है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सूर्य लग्न के अंतर्गत रहेंगे, सबसे पहले तो आपके अंदर की जो स्वतंत्र विचारधारा है उसको बढ़ा देंगे। साथ ही लग्नेश लग्न के अंतर्गत है तो हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ अगर होंगे तो उसमें भी कमी आ जाएगी। काफ़ी हद तक आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का प्रयास करेंगे, एक पर्सनैलिटी में एक अलग बदलाव आप देखोगे। साथ ही सूर्य का प्रभाव आपके अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की चाह भी लेकर आएगा और इनमें बढ़ोतरी भी करवाएगा। साथ ही यहाँ पर देखिए सूर्य लग्नेश लग्न के अंतर्गत हैं, वो भी सूर्य जैसे ग्रह हैं और साथ ही मंगल का भी प्रभाव है वहाँ पर। तो यहाँ पर एक बात ये रहेगी, व्यक्ति जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी से संबंधित अगर तैयारी कर रहे थे तो वहाँ पर भी लाभ की स्थिति दिखाई देगी, नौकरी लगने के चांसेस बनेंगे। साथ ही यहाँ पर जो है सरकारी नौकरी के साथ साथ जो है यहाँ पर आपका जो है हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि मंगल का जो प्रभाव है वो मंगल नवमेश बनकर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हायर एजुकेशन की बात करें, धर्म की बात करें, धार्मिक कार्यों की बात करें, धार्मिक अनुष्ठानों की अगर हम बात करें, तो उन सब का भी संबंध आपका जो है यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे एक प्रभाव ये रहेगा कि आपके अंदर उग्रता यहाँ पर जो है, क्योंकि अग्नि तत्व लग्न हो गया, सूर्य भी लग्न के अंतर्गत आ गए, मंगल भी लग्न के अंतर्गत आ गए, तो इस माह के अंतर्गत आपको जो है काफ़ी हद तक अपने आप को जो है कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा और उत्साह दोनों भरपूर आपके अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे अंदर जो है कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें, आत्मविश्वास भी भरपूर दिखाई देगा इस समय के अंतर्गत, तो अगर इन सब चीज़ों को आप लूज़ कर रहे थे तो ये सब चीज़ें आपको अच्छी खासी मिलती हुई दिखाई देंगी। ऊर्जा तो वैसे भी आपके अंदर काफ़ी अधिक होती ही है, लेकिन इस समय के अंतर्गत काफ़ी अधिक ऊर्जा जो है आपको, या उत्साह की बात करें या पराक्रम की बात करें, काफ़ी अधिक दिखाई देने लगेगा, ये स्थिति यहाँ पर बनती है। साथ ही अगर हम बात करते हैं, मंगल का प्रभाव क्रोध, उग्रता, जल्दबाजी, ये सब भी आपके अंदर लेकर आने वाला है, ये स्थिति यहाँ पर बताती है। मंगल का प्रभाव, अब ये
बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बुध भी जो है यहीं पर बैठे हुए हैं, जो कि द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं। वाणी भाव के स्वामी के साथ जो है सूर्य का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, बुध का प्रभाव, अब आप जो बोलने वाले हैं वो कहीं ना कहीं ऑथोराइज्ड बोलने वाले हैं, एक पावर के साथ बोलने वाले हैं। मंगल का प्रभाव जो बोलोगे तो स्पीड के साथ भी बोल सकते हैं, वाणी में तीव्रता आ सकती है, कुछ गलत भी बोल सकते हैं, एक ऐसी बात भी रहेगी। साथ ही गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है तो कुछ धार्मिक भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है आपके जो भी कुछ आप बोलोगे उस पर कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव जो है आपकी वाणी में जो है एक सुंदरता ले आएगा। ये स्थिति यहाँ पर रहेगी, आप जब बोलोगे तो वहाँ पर आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस जो है आपका अच्छा खासा दिखाई देगा ये स्थिति। और बुध का प्रभाव कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करेगा, उसमें वृद्धि करेगा, वहाँ पर एक अच्छा जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये योग की अगर हम बात करते हैं। साथ ही देखिए वाणी पर फिर भी आपको यहाँ पे कहा जाएगा थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। कुछ भी गलत बोलने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच लीजिएगा, अगर गलत बोल दिया तो वहाँ पे समस्या बन सकती है, क्योंकि सूर्य जब लगन के अंतर्गत आएंगे तो एक थोड़ा अहंकार की अगर हम बात करें ये भी लेकर आ जाते हैं, ईगो की अगर हम बात करें, आपके स्वाभिमान में कहीं ना कहीं वृद्धि होती हुई नजर आएगी, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही देखिए अगर हम बात करें द्वितीय भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी जो कि बुध हैं, लगन से संबंध बना रहे हैं, बोलिए बुध जो है वो बालक भी है, बाल स्वभाव भी है, तो बुध का प्रभाव रहता है नए नए कार्यों में लगना, हो सकता है कुछ नए नए शौक आपके जीवन में आए, ये स्थिति रह सकती है। कम्युनिकेशंस की बात करें वो बढ़ते हुए दिखाई देगा। साथ ही बुध का प्रभाव जो है व्यक्ति के अंदर जो है नाटक कला की अगर हम बात करते हैं, मिमिक्री की अगर हम बात करें, सिंगिंग की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि शुक्र भी द्वितीय भाव के अंतर्गत रहेंगे, तो ये प्रभाव जो है यहाँ पर पता लगता है, इस तरीके की स्थिति यहाँ पर पता लगती है। क्योंकि यहाँ पर एक बात और रहेगी कि शुक्र का प्रभाव द्वितीय भाव के अंतर्गत रहेगा और द्वितीय भाव के स्वामी लगन के अंतर्गत और लाभ भाव के स्वामी लगन के अंतर्गत, ये एक महाधनी योग है, लाभ की काफ़ी अच्छी स्थिति पता लगेगी ये रहेगा। क्योंकि बुध जो है 25 जुलाई से 9 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे, बुध जब 12वें घर में रहेंगे तो थोड़ा स्थिति अच्छी नहीं है, इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं उस समय के अंतर्गत जो है, और धन का व्यय अधिक रहेगा। 25 जुलाई से ये 9 अगस्त तक बुध जो है धनेश व्यय स्थान में, लाभेश व्यय स्थान में, थोड़ा व्यय जो है आपका खर्चा जो है वो अधिक होता हुआ नजर आएगा और ज़्यादा बोल हो सकता है, मतलब इस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन या बोल कर काम करने वाली जो स्थिति रहेगी वो ज़्यादा रह सकती है। हो सकता है कुछ ऐसा काम आपके जीवन में आ जाए जिसमें आपको बोल कर ही करना हो, कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। ये 25 जुलाई से 9 अगस्त तक का टाइम है और 9 अगस्त के बाद 26 अगस्त तक काफ़ी अच्छी स्थिति है। ये जो स्थिति है ये अर्निंग के धन के मामले में अगर हम बात करें, लाभ के मामले की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे एक अच्छी खासी स्थिति नज़र आती दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए आपको दोस्तों से भी लाभ हो सकता है, मित्रों से अगर हम बात करें, चाचा से लाभ हो सकता है, ये स्थिति यहाँ पर पता रहती है। साथ ही कुटुंब परिवार का जो सहयोग नहीं मिल पा रहा था तो वो परिवार का सहयोग भी मिलेगा, ये स्थिति भी यहाँ पर नज़र आती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ देखिए आपको अपने अंदर के जो स्वाभिमान कह लीजिए या इगोइस्टिक कह लीजिए, ईगो को कह लीजिए, उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की यहाँ पे बहुत अधिक आवश्यकता रहेगी। आप तर्क वितर्क में ज़्यादा लग सकते हैं, किसी के साथ बहस कर सकते हैं, ये स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है, तो इसका आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। इसके बाद 26 अगस्त से 22 सितंबर तक भी बुध जो है कन्या राशि के अंतर्गत जो है द्वितीय भाव के अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। कुल मिला के अगर अगस्त माह में धन के मामले में, लाभ के मामले में स्थिति देखी जाए तो काफ़ी अच्छी है। और देखिए ये ग्रह स्थिति इतनी खास है इस बार की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए चतुर्सागर राजयोग भी आपके कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर बना हुआ है, साथ ही दशम भाव में भी राहु बैठे हुए हैं। और बस ये बात है कि 11 अगस्त तक की अगर हम बात करें तो जो शुक्र है 11 अगस्त तक शुक्र सिंह राशि में रहेंगे दशमेश होकर, जो कि अच्छी स्थिति है आपके जॉब के लिए, जो व्यक्ति नौकरी चाहते हैं उनके लिए 11 अगस्त तक का समय ज़्यादा खास है। इसके बाद जो है शुक्र कन्या राशि में चले जाएंगे, थोड़ा फिर उसके बाद जो स्ट्रगल रहेगा, वो मेहनत जो रहेगी वो बहुत अधिक हो जाएगी, संघर्ष जीवन में ज़्यादा आ जाएगा नौकरी पाने के लिए। तो जो भी व्यक्ति नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं 11 अगस्त तक का समय काफ़ी अच्छा है। इसमें भी शुभ दिन जो हम बताएंगे वो चेक करके आप उस दिन अगर इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है रिस्पॉन्स आपको जो है मिलने वाले हैं, ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए शुक्र की अगर हम बात करें कर्मेश बनकर धन भाव और प्राकमेश बनकर धन भाव में, ये 11 अगस्त के बाद की बात है, तो 11 अगस्त के बाद कहीं ना कहीं आपका जो पराक्रम होगा वो अपने धन के लिए, अपने परिवार कुटुंब के लिए जो है वो होता हुआ दिखाई देगा, अपनी वाणी के लिए जो है आपका पराक्रम होता हुआ दिखाई देगा, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। या फिर धन संचय की अगर हम बात करें वहाँ पर भी आपका पराक्रम होने वाला है। साथ ही शुक्र का प्रभाव आपको 11 अगस्त के बाद से स्वादिष्ट व्यंजकों की तरफ आपको आकर्षित करने वाला है। आप कुछ अच्छा, कुछ फास्ट फूड वगैरह इस तरीके का खाने का शौक रखने वाले हैं, या फिर किसी भी तरीके के मदिरापान भी ये वाला भी हो सकता है, मतलब अगर कुंडली में ग्रह स्थिति कुछ अलग है, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है, तो यहाँ पर मतलब शौक लगने वाले हैं, कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है।
नई नई चीज़ों को ट्राई करना वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही जिन भी व्यक्ति को शुगर से संबंधित समस्या है तो वहाँ पे शुगर को मेंटेन करना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ पर शुगर का जो है बढ़ती हुई दिखाई दे सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर बनती है। सूर्य का प्रभाव यहाँ पर जो है 17 अगस्त से 17 सितंबर तक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे सूर्य और मंगल जैसे हमने बताया भी है कि अग्नि काफ़ी अधिक हो जाएगी, तो क्रोध और उग्रता जो बढ़ती हुई दिखाई देगी, थोड़ा सा सर दर्द की शिकायत भी आपको इस माह के अंतर्गत रह सकती है, तो उसका भी खास तौर पर आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही देखिए यहाँ पर बैठे मंगल की चौथी दृष्टि की अगर हम बात करते हैं वो चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ रही है, केतु बैठे हुए हैं, केतु भी मंगलवत परिणाम देते हैं, मंगल की राशि के अंतर्गत है, चतुर्देश भी मंगल बन के लगन के अंतर्गत बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, ये प्रभाव जो है घर के अंदर एक कलह स्थिति दे सकता है। साथ ही आपका प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित लाभ की स्थिति नजर आएगी। प्रॉपर्टी को लेकर अगर हम बात करें लाभ की स्थिति 9 अगस्त के बाद से अगर हम बात करें तो लाभ के मामलों में वृद्धि आपकी जो है 9 अगस्त के बाद जो है होगी, जब बुध जो है सिंह राशि के अंतर्गत आ जाएंगे तो ये स्थिति अच्छी खासी दिखाई देगी। साथ ही ओवरऑल अगर देखा जाए इसमें तो इस समय के अंतर्गत आपका जो है अगर आपके व्यक्तित्व की बात करें, पर्सनैलिटी की बात करें, वो डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं गुरु ग्रह की, गुरु ग्रह जो कि पंचमेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं, इनका संबंध सप्तम भाव से बना हुआ है, वक्री अवस्था के अंतर्गत है। तो देखिए पंचमेश होने के कारण यहाँ पर जब सप्तम से संबंध बनाएंगे तो रिलेशनशिप के अंतर्गत एक प्रेम तो रहेगा, लेकिन अभी क्या है सूर्य मंगल जैसे ग्रहों का सप्तम पर पूर्ण प्रभावपूर्ण दृष्टि रहने वाली है, तो ये प्रभाव वहाँ पर कुछ ईगो के कारण प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, कुछ जल्दबाजी के कारण, कुछ जल्दबाजी में कुछ ऐसा गलत बोल दिया जिसके कारण जो है रिश्तों में खटास आ जाती है, वो स्थिति यहाँ पर आ सकती है, या फिर एक एग्रेसिवनेस जो है, एक गुस्सापन जो है, वही आपका यहाँ पे जो है परिणामों में जो है नेगेटिविटी लेकर आने वाले हैं, ये स्थिति। अन्यथा गुरु का प्रभाव कहीं ना कहीं दाम्पत्य को संभालने का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सप्तमेश शनि भी अपने से 12वें होकर शिष्टम भाव में, जो कि ये बता रहे हैं एक फिजिकली स्पाउस के साथ, एक फिजिकली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एक सेपरेशन जैसी स्थिति जो है यहाँ पर दिखाई देती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता है। वैसे गुरु का प्रभाव इन सब चीज़ों में कमी लेकर आएगा। अब यहाँ पर एक बात ये भी देखी जा सकती है कि कुछ लोगों की जो कुंडली है, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है, गोचर पर आधारित है, तो जिनकी जन्म कुंडली के अंतर्गत सेपरेशन जैसी स्थिति नजर आती हो, उसी तरीके की महादशा अंतर्दशा चल रही हो, तो वहाँ पर ये नियम जो है ज़्यादा मतलब ये यहाँ पे लागू होता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति का फिजिकली सेपरेशन भी इस समय के अंतर्गत होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये स्थिति हो सकती है। लेकिन गुरु जब से यहाँ पर हैं, अगर हम बात करें तो यहाँ पर गुरु का जो प्रभाव है, जो कि अप्रैल से गुरु जो है कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ से प्रभाव जो है एक अच्छा खासा देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु पंचमेश भी हैं, पंचमेश का काम होता है क्योंकि त्रिकोण भाव के स्वामी बनकर बैठे हैं और प्रेम का भाव है, पंचम भाव से प्रेम का भी विचार होता है, तो इस भाव के का स्वामी जब सप्तम भाव से संबंध बनाएगा तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में थोड़ा प्रेम लेकर आएगा। लेकिन इस माह के अंतर्गत जब सूर्य और मंगल का प्रभाव इस सप्तम भाव पर रहेगा तो थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी, क्योंकि सूर्य के दृष्टि जो है वहाँ पर थोड़ा सा प्रकाश ज़्यादा डाल देगी, अगर हम बात करें ऊर्जा ज़्यादा रहेगी, अग्नि ज़्यादा रहेगी, तो वहाँ पर थोड़ा सा संभलने की आपको जो है आवश्यकता रहने वाली है। इसी के साथ है कि अगर हम बात करें गुरु की भी दृष्टि तो हमने बता ही दी है, पराक्रम भाव यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लाभ भाव पर भी रहेगी, लगन पर भी है, पराक्रम पर भी है, तो जो भी मेहनत आपकी चलेगी, जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे लाभ भी देंगे, साथ ही साथ आपका नाम भी कराएंगे, साथ ही आपके पराक्रम जो है मेहनत जो है उसमें वृद्धि कराएंगे और उसमें भी लाभ की स्थिति बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे शनि की भी दृष्टि जो है पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो मेहनत तो आपकी बढ़ाएंगे, मेहनत आप खूब करेंगे और उसका फिर परिणाम भी आपको जो है अवश्य मिलता हुआ दिखाई देगा। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि परिणाम नहीं मिल पाता, किन लोगों को परिणाम नहीं मिलेगा, अच्छे की अगर हम बात करते हैं, बुरे की परिणाम की अगर हम बात करते हैं, अब हो सकता है आपकी महादशा अंतर्दशा सही नहीं हो, ग्रह स्थिति सही नहीं हो, तो हो सकता है जो अच्छे रिजल्ट की अगर हम बात करें वो ना मिले, नेगेटिव मिले, तो ये स्थिति जो है आपकी जन्म कुंडली पर आधारित रहती है, तो उसका विचार वहाँ से अवश्य होता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें चंद्रमा की, अगर हम बात करते हैं चंद्रमा विह भाव के स्वामी बनकर, अब चंद्रमा का गोचर जो है पूरे माह जो है किसी न किसी भाव के साथ संबंध बनाएंगे और ये व्यय बनकर है, तो जहाँ पर भी बैठेंगे कहीं ना कहीं उस भाव से संबंधित व्यय की स्थिति जो है बनाते हुए नजर आएंगे खर्च की। और देखिए जब किसी भी चीज़ का खर्च होता है तो कहीं ना कहीं वृद्धि भी होती है, मतलब आपके पास होगी वो चीज़ तभी उसका खर्च होगा, तो ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। साथ ही देखिए अगर हम बात करें 25 जुलाई से 22 अगस्त तक श्रवण पक्ष है,
और 23 अगस्त से भाद्रपद पक्ष है, भादवे का महीना है, तो जो सावन का महीना है उसमें आप भरपूर शिव भक्ति करके, शिव आराधना करके शिव कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही देखिए इस माह के अंतर्गत त्यौहार हैं काफ़ी सारे। शिवरात्रि की बात करें 6 अगस्त नागपंचमी 13 अगस्त की है और रक्षाबंधन 22 अगस्त 2021 की है, दिन रविवार रहेगा। इस समय राहु काल जो है रविवार के दिन 4:30 से 6 बजे रहता है, तो यहाँ पे राखी बांधने से थोड़ा सा बचना चाहिए, इस समय के अंतर्गत जो है विचार करना चाहिए इसका। कृष्ण जन्माष्टमी की बात करें 30 अगस्त की रहेगी और ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के में ये पर्व जो है मनाया जाता है। अमावस्या की बात करें तो 8 अगस्त की अमावस्या रहेगी और 7 अगस्त 2021 6:15 PM पर आएगी और 8 अगस्त को 6:41 तक रहने वाली है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति, ग्रह स्थिति तो आपकी अच्छी है। नौकरी के लिए भी यहाँ पर बता दिया है 11 अगस्त तक की अगर हम बात करें नौकरी के लिए। अब इसमें शुभ दिन की अगर हम बात करें 4 से 6, 9 से 11, 11 से 13, 17 से 19, 22 से 24 और 26 से 29 का दिन ये आपके लिए शुभ दिनों में है। आप इन दिनों के अंदर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का शुभ काम अपने जीवन में करना चाहते हैं, तो इन दिनों के अंतर्गत आप कर सकते हैं। कोई अधिकारी से मिलना चाहते हैं क्योंकि इस माह के अंतर्गत देखिए अब यहाँ पे सूर्य लग्न के अंतर्गत आएंगे, हो सकता है किसी भी तरीके के सरकारी काम आपके अधूरे रह रहे हों तो वो भी आप यहाँ आपके यहाँ पर पूरे होते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। तो यहाँ इन दिनों में आप ये काम कर सकते हैं। साथ ही अशुभ दिनों की बात करें 6 से 9, 19 से 22 और 24 से 26 तारीख की अगर हम बात करें तो इन दिनों में ये दिन अशुभ हैं, तो इन दिनों के अंतर्गत जो है आपको थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता है। किसी भी तरीके का मूड अपसेट हो सकता है आपका, जो है मानसिक रूप से तनाव की स्थिति, रोग, रिपो, ऋण यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा झगड़ा वगैरह इन सब से आपको बचना चाहिए, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। हेल्थ इशू यहाँ पर हो सकते हैं, ये स्थिति पता लगती है। किसी भी तरीके के दुख का संबंध इन दिनों के अंतर्गत आ सकता है और मानसिक रूप से अशांति इस समय के अंतर्गत हो सकती है, तो कोई भी शुभ काम करने से पहले इन दिनों में मत करिएगा, ये स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही यात्रा के योगों की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे नवमेश बनकर भी मंगल का संबंध लगन से हो रहा है, साथ ही गुरु के भी दर्शन जो कि पंचमेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं, तो आपके ज्ञान में वृद्धि होने वाली है, आपके स्किल्स में आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो वो ये समय उसके लिए भी बेहतरी लेकर आया है, तो यहाँ पर आप जो है ये स्थिति भी आप देख सकते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ट्रैवल योग की अगर हम बात करें तो अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल की अगर हम बात करें 19 से 22 और 24 से 26 का दिन जो है ये अनएक्सपेक्टेड रूप से ट्रैवल हो सकता है। यहाँ पर आकस्मात रूप से आपकी अपने यात्रा के योग बनते हैं। साथ ही ट्रैवल फॉर एंजॉयमेंट की अगर हम बात करें तो 22 से 24 तारीख का दिन जो है यहाँ पे एक एंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए आप यात्रा करना चाहते हैं तो इस दिन आप प्लान कर सकते हैं। ट्रैवल फॉर हॉस्पिटल एंड प्लेजर की अगर हम बात करें 6 से 9 तारीख ट्रैवल फॉर स्पिरिचुअल वर्क, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्क के लिए ये समय वैसे भी खास है, किसी भी तरीके की बड़ी तीर्थयात्रा भी हो सकती है आपकी जो है, और तो 26 से 29 का समय काफ़ी हद तक खास रहेगा क्योंकि पंचमी नवमेश मंगल का भी लगन से संबंध बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी धार्मिक बड़ी यात्रा भी यहाँ पर होने के योग बनते हैं, तो जो कि 26 से 29 का दिन जो है किसी भी तरीके के धार्मिक अनुष्ठान के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है और धार्मिक अनुष्ठान भी यहाँ पर हो सकता है इस माह के अंतर्गत जो है, क्योंकि देखिए वाणी भाव के स्वामी बुध बनते हैं, उसका सूर्य मंगल के साथ योग है, साथ ही गुरु की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक अनुष्ठान होने की भी संभावना बनती है, किसी भी तरीके की बड़ी पूजा आप करा सकते हैं, ये स्थिति बन सकती है। साथ ही ट्रेवल विद हार्डवर्क की अगर हम बात करें 13 से 15 तारीख का दिन जो है थोड़ी यात्रा जो है कठिनाइयों के साथ ये वाली स्थिति यहाँ पर बता लगती है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए और साथ ही आपको एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि 11 अगस्त के बाद 6 सितंबर तक थोड़ा कर्म क्षेत्र में सावधान रहना चाहिए आपको, किसी भी तरीके का गलत काम से आपको समय के अंदर बचना चाहिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है 11 अगस्त से 6 सितंबर तक की अगर हम बात करें। उपाय के तौर पे आपको श्री सुक्त का पाठ, हनुमान चालीसा और माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अग्नि प्रधान ज़्यादा हो रही है और लगन के अंतर्गत, तो थोड़ा सा इस पर आपको विचार करना चाहिए और चंदन का तिलक लगाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।